तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि लैब्राडोर क्यों ज़्यादा इतने ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है, तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं कि गार्ड डॉग के बारे में, यानी डॉबरमैन के बारे में, कि क्यों लोग ज़्यादा पसंद करते हैं गार्ड डॉग के लिए डॉबरमैन को। तो गाइस, ऐसे वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको कोई वीडियो बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपकी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, डॉबरमैन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा गार्ड डॉग माना जाता है और इनको बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि डॉबी, डॉबरमैन, डॉबरमैन पिंचर। और इनके ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन जर्मनी से है और ये आपको बहुत सारे कलर में भी मिल जाएंगे, जैसे कि रेड एंड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड रेड, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको ये डॉग ब्रीड मिल जाएगी। पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कलर है वो है ब्लैक एंड टैन। तो अब बात करते हैं क्यों इस डॉग ब्रीड को ज़्यादा करके गार्ड डॉग के पर्पज़ के लिए रखा जाता है। तो जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोग इसे रखते हैं क्योंकि ये सुरक्षा के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जैसे कि अब अगर आप फार्म हाउस पर रहते हो या फिर विलेजेस पर रहते हो या फिर गांव वगैरह में जाते हो, आपको एक अच्छा डॉग चाहिए जो कि आपकी सुरक्षा भी करे। और जैसे जंगली जानवर खेतों में अगर जाते हो या फिर कहीं आपके पास फार्म हाउस है तो आजू बाजू से कई जानवर आते, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए भी डॉबरमैन को काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और अभी के टाइम पे जैसे कि पुलिस आर्मी में भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ सूंघने के लिए या फिर कुछ चीज़ खोजने के लिए, जैसे कि बॉम्ब डिटेक्शन हो गया या फिर कुछ कपड़े या फिर कुछ और भी। जैसे कि आप एयरपोर्ट में भी जाओगे तो वहाँ पे भी उनके जो बैग्स होते हैं ट्रैवलर्स के, तो उनके अंदर कुछ ऐसे सस्पिशियस चीज़ें ना हो, कुछ ऐसे इनलीगल चीज़ें ना हो, उसको फाइन करने के लिए भी डॉबरमैन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और डॉबरमैन क्या एक कॉमन डॉग ब्रीड है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई डॉग शॉप में जाते हो या फिर किसी ब्रीडर के पास जाते हो तो भी आपको डॉबरमैन इजीली अवेलेबल होगा। इन डॉग ब्रीड की प्राइस की बात करें तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, जैसे कि आपको 15,000 से 20,000 या फिर 21,000 के आसपास आपको डॉबरमैन अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। अगर फीमेल लेते हो आपको तो भी आपको 1 से 2 हज़ार रुपये आपके बच सकते हैं। अगर आप विथ पेपर लेते हो या फिर इम्पोर्ट कराते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। इन डॉग ब्रीड का जो है मेंटेनेंस का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जैसे कि बहुत सारे डॉग ब्रीड होते हैं उनके हेयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और घर में भी हेयर यहाँ वहाँ गिरते हैं, बट डॉबरमैन के क्या सीजनेबल हेयर गिरते हैं, मतलब कभी शेडिंग का टाइम आता है तो ही उनका जो है बाल नीचे गिरते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ब्रशिंग करते हो तो उनके बाल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका कोट होता है वो शॉर्ट कोट होता है, इसलिए वो स्विमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डॉबरमैन की पूंछ कट कर देते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न आपको पता है या नहीं पता? अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर से आप ऊपर में आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा कि आखिरकार डॉग की पूंछ ऐसे क्यों काटी जाती है, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर से देखना। और गाइस, आपको जैसे बता दूँ कि ये डॉग ब्रीड प्रोटेक्शन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्ती से, यानी अपने ओनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनके ओनर के ऊपर या फिर इनके जो घर में जो भी बेबीज होते हैं या फिर जो भी इनके मालिक होते हैं उनके ऊपर अगर किसी ने भी हमला किया या फिर किसी ने जानवर ने हमला किया या फिर कोई भी चोर आता है या कुछ भी करता है, तो ये डॉग ब्रीड एक बार भी नहीं सोचते सामने वाले के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले अपने ओनर की सेफ्टी देखते हैं। और यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल इसे जो है बाय करते हैं एज अ गार्ड डॉग की तरह। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डॉग ब्रीड काफ़ी डेंजरस है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी अभी जस्ट 2 या 4 दिन पहले स्टोरी डाली थी, एक यहाँ पे जो हमारा डॉबरमैन है वो शॉप के पास रहता है और खुला रहता है, स्ट्रीट डॉग के साथ काफ़ी अच्छे से रहता है और जो भी कस्टमर आते हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से रहता है। तो गाइस, ऐसा नहीं कि सारे डॉग जो है एग्रेसिव हो सकते, कभी कभार कोई डॉग एग्रेसिव हो सकता है, उसके पीछे रीज़न हो सकता है जैसे कि सोशलाइज न करना, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ना देना, जो डॉग को टाइम नहीं देना, उसके साथ खेलना नहीं, तो उसके कारण कभी कभार डॉग डिप्रेस चला जाता है और कभी कभार वो बार्किंग या फिर ऐसी सारी चीज़ें करता है जिसके कारण ओनर को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बट वो एग्रेसिव नहीं होता, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट अगर आप पहले से इन्हें सोशलाइज़ करते हो, बच्चों के साथ रखते हो, फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से खेलने के लिए रखते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और ख़ास करके लोग बोलते बच्चों के साथ इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो बच्चों के साथ इन्हें रखना चाहिए, उनके साथ भी अच्छा है, बट आजू बाजू कोई एक बड़ा आदमी हो या फिर बड़ा घर में कोई सदस्य हो वो होना ज़रूरी है। इन डॉग ब्रीड के खाने की बात करें तो इनका खाने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इनके डाइट पे आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। और इनको ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा मटेरियल यानी हाई प्रोटीन वाला ही खाना चाहिए, अगर आप घर का खाना देते हो तो भी अच्छे से स्ट्रगल कर लेते हैं, अगर डॉग फूड देते तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर ऐसे अब आपको ऐसा लगता है कि आपका डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभार इनको जो मल्टीविटामिन विटामिन या फिर अच्छे डाइट की सख्त ज़रूरत होती है, तो अगर ऐसे कंडीशन में आप उनका ध्यान रखते हो तो आपके लिए डॉबरमैन काफ़ी हेल्दी फिट रहेगा और एक मेंटेन डॉग की तरह रहेगा।
तो गाइस अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए कैसा है। तो फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है, सेकंड टाइम डॉग ओनर हो तो भी अच्छा है, बट ध्यान रखना इन्हें सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको पपी 2 से 3 मंथ का हो जाता है तो धीरे धीरे आप इन्हें ट्रेनिंग देना चालू कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डॉग ब्रीड होते हैं तो जल्दी से जल्दी नई नई चीज़ें सीख लेते हैं। और गाइस हमारे बहुत सारे ऐसे डॉबरमैन के ऊपर वीडियो, जैसे कि उनका डाइट प्लान, उनको कैसे केयर करनी चाहिए और भी कुछ डॉबरमैन के बारे में वीडियो बना के रखी। अगर आपको देखना है तो आई बटन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी वीडियो, तो जाके ज़रूर से देखना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फिर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।